हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 5वीं में नैतिक शिक्षा का 10वां अध्याय अहिंसा करेंगे। अहिंसा अहिंसा क्या है? कि किसी को मारने या सताने की इच्छा हिंसा कहलाती है, और ऐसी इच्छा का न होना अहिंसा कहलाता है। यानी कि किसी को मारने या सताने की इच्छा ना रखना अहिंसा कहलाता है। हिंसा हत्या को जन्म देती है। हत्या करना पाप है। हिंसा के बिना हत्या नहीं हो सकती, इसलिए अहिंसा को परम धर्म कहते हैं। कहा भी गया है कि अहिंसा परमो धर्म है, यानी कि अहिंसा परम धर्म है। महात्मा गांधी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अहिंसा और सत्य का पर बड़ा बल देते थे। उन्होंने स्वाधीनता का संग्राम भी इन दो हथियारों से ही लड़ा। उनकी मान्यता थी कि हमें सत्य का सदा आग्रही होना चाहिए। आग्रही मतलब हमें हमेशा सत्य को अपनाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। यदि सत्याग्रह से काम ना चले तो असहयोग करो। यानी कि यदि सत्य अपनाने से काम ना चले तो असहयोग, यानी कि सहयोग न देना, सहयोग ना दो उसमें। पूरे का बुरे का साथ देना छोड़ दो। यदि फिर भी सफलता ना मिले तो अवज्ञा करो, आज्ञा ना मानो। जिनके साथ संघर्ष है उनसे संघर्ष करो, किंतु किसी भी दशा में अहिंसा का पल्लू मत छोड़ो। अहिंसा के तीन रूप होते हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। यानी कि अहिंसा के तीन रूप कौन से होते हैं? शारीरिक, वाचिक और मानसिक। किसी को अपने शरीर द्वारा कष्ट पहुंचाने की इच्छा ना करना शारीरिक अहिंसा है, और वाणी से कष्ट पहुंचाने की इच्छा न करना वाचिक अहिंसा है, और किसी का मन से भी बुरा न चाहना मानसिक अहिंसा है। अतः हमें मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में हिंसा से बचना चाहिए। यानी कि ना तो हमें मन से, ना वचन से, ना कर्म से हिंसा करनी चाहिए। हमारा मन एक ऐसी चीज है जिसका तार दूसरे लोगों के, यहाँ तक कि पशु पक्षियों तक के मनों के तार के साथ जुड़ा रहता है। यानी कि हम सब मन से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो उसके मन में भी हमारे लिए दुर्भाव पैदा होने लगते हैं। यदि हमारा मन किसी के लिए सद्भाव युक्त है तो उसके मन में हमारे प्रति किसी कारण कोई द्वेष भाव भी हो तो वह अपने आप समाप्त हो जाता है। वह भी हमारे प्रति सद्भाव रखने वाला लगता है। नफरत और प्यार में, घृणा और प्रेम में विजय सदा प्यार या प्रेम की ही होती है। वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों के आश्रम में सिंह आदि पशु उसी प्रकार आचरण करते हैं जैसे हमारे घरों में पालतू पशु करते हैं। महात्मा आनंद स्वामी ने इस संबंध में अपने जीवन के एक सच्ची घटना का उल्लेख किया है। सन्यासी बनने के बाद उन्हें एक लगन रही कि जगत गुरु दयानंद ने जिन जिन स्थानों पर तप किया उन्हें देखिए। उत्तरकाशी में एक बहुत वृद्ध साधु ने बताया कि मुल्ला चट्टी से आगे बूढ़े केदार की ओर जाएं तो यहाँ एक स्वामी गंगागिरी जी रहते हैं जो महर्षि दयानंद जी के साथी थे। आनंद स्वामी उत्तरकाशी से मुल्ला चट्टी गए। 17 मील ऊपर वहाँ इतना घना जंगल है कि दिन के समय भी मार्ग दिखाई नहीं देता। 3 घंटे पश्चात एक साधु के दर्शन हुए। ये उन गंगागिरी के शिष्य थे। वे आनंद स्वामी को कुटिया पर ले गए और वह शिला दिखाई जिस पर बैठकर स्वामी दयानंद ध्यान लगाते थे। आनंद स्वामी ने भी उस पर बैठकर ध्यान लगाया। ध्यान के पश्चात आंखें खोलने पर उन्हें एक विशाल शेर अपनी ओर आता दिखाई दिया। कहते साधु महात्मा अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। उन्होंने आवाज देकर कहा कि यह सिंह आ गया है। वे बोले, घबराने की आवश्यकता नहीं,
यह सिंह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अनंत स्वामी आधी आंख से सिंह को देखते रहे। वह उनके पास से निकलकर उस साधु के पास चला गया। साधु ने उसकी पीठ सहलाई, उसके पांव खुजाए, उसके सिर पर हाथ फेरा, उसे प्यार किया और शेर परे चला गया। इसी साधु ने बताया कि दयानंद इसी प्रकार सिंहों से प्यार करते थे। वास्तव में यदि हमारे मन में दूसरों को सताने की भावना न होकर प्यार की भावना है तो दूसरे के हृदय में भी इस भावना का संचार होता है। अहिंसा को इसीलिए परम धर्म कहा गया है। अहिंसा से सब बैर, भय और आशंका दूर हो जाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि अहिंसा क्या है और हिंसा क्या है। अर्थात हिंसा है किसी को मारना, सताने की इच्छा रखना या सताना, हिंसा कहलाता है। लेकिन इसके विपरीत आचरण अहिंसा कहलाता है, यानी कि मन, वचन और कर्म से किसी को किसी भी तरह का नुकसान या दुख न पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। अहिंसा को परम धर्म कहा गया है क्योंकि अहिंसा से बैर, भय और आशंका दूर हो जाते हैं। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं कि अहिंसा का अर्थ बताओ कि किसी को मन, कर्म या वचन से दुख पहुंचाना हिंसा है और इसके विपरीत आचरण करना अहिंसा है। यानी कि किसी को भी मन, वचन और काया से दुख ना पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। अहिंसा के कितने रूप हैं और वे कौन कौन से हैं? अहिंसा के तीन रूप हैं। शारीरिक हिंसा, यानी कि शरीर से किसी को दुख ना पहुंचाना, कष्ट ना पहुंचाना, शारीरिक हिंसा है। वाचिक हिंसा, यानी कि वाणी से, अपनी बोली से किसी को कष्ट ना पहुंचाना, किसी को दुख ना पहुंचाना, वाचिक अहिंसा कहलाता है। और तीसरा है मानसिक अहिंसा, यानी कि मन से भी किसी को कष्ट ना पहुंचाना मानसिक हिंसा है। वाचिक हिंसा से अभिप्राय है कि अपने वचनों से, अपनी बोली से किसी को सताना या कष्ट पहुंचाना वाचिक हिंसा है। किसी को कष्ट पहुंचाना वाचिक हिंसा है वाणी से। मानसिक अहिंसा किसे कहते हैं? कि मन से भी किसी को कष्ट ना पहुंचाना मानसिक अहिंसा कहलाता है। ऋषियों के आश्रम में हिंसक प्राणी भी पालतू से क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वास्तव में हमारी भावना जैसी होती है वो भावना किसी ना किसी रूप में दूसरों के मन में भी संचार होता है उसका। इसीलिए ऋषियों के आश्रम में हिंसक प्राणी भी पालतू जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि ऋषियों के मन में भी किसी को मन, वाणी या कर्म से वो हिंसक प्राणियों को भी दुख नहीं पहुंचाते, इसलिए हिंसक प्राणी भी उनके सामने पालतू जैसे बन जाते हैं। तो ये था आपका लेसन 10 अहिंसा। तो आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद। ओके।